हम डिस्कस करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आईटीआई फर्स्ट ईयर में जितने भी इंजीनियरिंग टेट के छात्र हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड प्रीवियस इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यू फर्स्ट ईयर का मैंने डिस्कस किया, इसका डिटेल चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और सभी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सूचना आपको मिलते रहे। ये आईटीआई का जो मेन सीबीटी एग्ज़ाम है और आने वाले आईटीआई का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेक्निकल से रिलेटेड टेक्निकल में जितने भी इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ज्योमेट्रिकल फिगर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एमसीक्यू फर्स्ट ईयर आईटीआई ऑल इंजीनियरिंग टेट्स ओनली फॉर फर्स्ट ईयर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ट्राइंगल हैव टू साइड आर इक्वल वन साइड। ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए जिसके दो साइड बराबर होते हैं और एक साइड बराबर नहीं होते। कहने का मतलब है आपने ट्राइंगल देखा भी होगा, इस प्रकार का होता है तीन। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है कि दो साइड होंगे इक्वल होंगे और एक जो तीसरा साइड होगा वो अनइक्वल होगा। डैट मीन्स अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, ये आपका 6, 7 या 4 ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। सर बी, इक्वलेटरल ट्राइंगल कहने का मतलब है चारों जो साइड होंगे वो इक्वल होंगे, स्केलर ट्राइंगल तीनों डिफरेंट हो गए। इसके लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं, इक्वल होते हैं लेकिन एक साइड डिफरेंट होता है, स्केलर ट्राइंगल जो तीनों डिफरेंट साइड होते हैं, तीनों जो साइड होते हैं अलग अलग होते हैं। विच एंगल्स, कौन सा ऐसा कोण है जो लाइंग ऑन अदर साइड ऑफ ए लाइन एंड इट्स हैव कॉमन वर्टेक्स। एक ऐसे कोण का नाम बताइए, एक ऐसे एंगल का नाम बताइए जिस जो एक ही लाइन पे दोनों साइड पड़े होते हैं, एक ही लाइन पे दोनों साइड दिखाई देता है होता है। कहने का मतलब है कि जब भी हम एंगल ड्रॉ करते हैं, आपको पता है कि एंगल दो लाइन मिलने के बाद बनता है, एक लाइन ए जा रहा है एक लाइन बी जा रहा है, ये जब तक किसी पॉइंट पे नहीं मिलेंगे तब तक एंगल नहीं बनेगा इनके बिटवीन, है ना। तो इसमें क्वेश्चन करने का मतलब है कि इसका जो कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स करने का मतलब ये पॉइंट है, जो पॉइंट है इसको कहते हैं हम लोग कॉमन वर्टेक्स। एक ही पॉइंट से दो लाइन हमारा मीट किया है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉमन पॉइंट में दो एंगल पाए जाते हैं, इधर आपका एक लेफ्ट साइड पाया जाता है एक राइट साइड पाया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट मीन पास का कोई एंगल, मतलब एक साथ दो एंगल आपको एक साथ होते हैं। आंसर होगा इसका एडजेसेंट एंगल सी, 7 का सी। एक कॉमन वर्टेक्स है इसका, एक ही पॉइंट मिड पॉइंट किसे कह सकते हैं हम, दो लाइन जो एक ही मिड पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं लेकिन यहाँ से दो एंगल बन रहा है हमारा, एक एंगल 1 है एक एंगल 2 है, कॉमन साइड, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स एडजेसेंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में पूछा है विच एंगल, कौन सा एंगल जो है इज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ऐसे एंगल का नाम बताइए, एक ऐसे कोण का नाम बताइए जो दो एडजेसेंट एंगल का सम होता है, जो एडजेसेंट अभी मैंने डिस्कस किया, दो एक ही कॉमन वर्टेक्स में एक ही पॉइंट्स में वो दो एंगल पाए जाते हैं और जिसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। मीन्स इस प्रकार दिखाई देंगे आपको, एक ही कॉमन पॉइंट में दो एंगल बनेंगे, इसे क्या कहते हैं, जिसका वैल्यू होगा दोनों का सम होगा 180 डिग्री। अब ये कुछ भी हो सकता है, आइदर आपका एक हो सकता है 150 डिग्री और दूसरा हो सकता है 30 डिग्री, आइदर आपका एक हो सकता है 140 डिग्री तो दूसरा होगा 40 डिग्री, इस प्रकार हो सकते हैं। तो दोनों मिला करके 180 डिग्री होंगे, इसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से के बराबर होता है, एक्यूट एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। एक आंसर होगा बी, सप्लीमेंट्री। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि एक एडजेसेंट एंगल बोला था, मींस इसका एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट है, एक ही पॉइंट से दो एंगल निकल रहे हैं, एक तरफ ई साइड गया है एक ई साइड गया है और दोनों का सम पूछा था 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का सम हमारे साथ सप्लीमेंट्री एंगल होता है, बट 180 डिग्री जो होता है रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है,
सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एक प्रकार का एडजेसेंट एंगल होता है सप्लीमेंट्री, जो दो एंगल का सम होता है। यहाँ डायग्राम आप देख ही पा रहे, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल देखने में कैसा लगता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 9 ने पूछा है द सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन एनी ट्राइंगल्स इज इक्वल टू। किसी त्रिकोण में तीन एंगल्स होते हैं, जो तीन कोण का जो वैल्यू होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब है, हम अगर कोई ट्रायंगल का डायग्राम आपको मैं ड्रॉ करूं, जैसे सपोज़ कीजिए आपका कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड जो इक्वल है, तो एंगल ए एक है, एक एंगल बी है और एक एंगल सी है, एक नंबर एंगल, दो नंबर एंगल, तीन नंबर एंगल, इन तीनों एंगल का जो जो सम होगा वो कितना डिग्री के बराबर होता है। इसका आंसर होगा 180 डिग्री, आंसर होगा 9 का सी होगा। इस डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, एक एंगल ए है, एक बी है और एक सी, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री का बराबर होगा। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो इंडिकेटेड एक्स जो पार्ट है, ये एक्स पार्ट है, इस एक्स पार्ट को आपका नाम बताना है कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, जो एक्स पार्ट है ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो इसके लिए आपको ट्रायंगल का हर एक जो पार्ट होता है, हर एक साइड का नाम याद होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस जैसा होता है, जो आज चढ़ाई जैसा होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस को कहते हैं हम लोग डायगोनल सतह। तो एक्स होगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूस साइड, परपेंडिकुलर साइड कौन सा होगा, जो वाई आपको दिखाई दे रहा है तो वो परपेंडिकुलर साइड होगा, और बेस साइड कौन सा होगा इसमें, ये बॉटम में जो है ये होगा बेस साइड नीचे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 में जो डायग्राम दिया है उससे रिलेटेड पूछा गया है। अभी मैंने डिस्कस भी किया कि वाई को हम क्या कहते हैं, आपको पता होगा, इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। 11 का डी, 11 का आंसर होगा डी। आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, चैनल पर नया रहा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे। थैंक यू।